कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे धूप आंगन में आने दे जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। तो आज हम लोग अफर्मेशन के कार्ड लेने वाले हैं, तो अभी आज शेयरिंग नहीं है तो हमारे पास टाइम है, तो हम अफर्मेशन के कार्ड लेंगे और जो लोग हिंदी में और इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कोशिश करेंगे। आप मेरा स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूं मैं, आप देख पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो इंग्लिश में सर, हिंदी में मैं रीड कर लूंगी। आप पढ़ेंगे दीप्ति? दीप्ति जी आप पढ़ेंगे? यस सर, मैं पढ़ूंगी सर। डॉक्टर शिल्पा? यस सर। सर मैं हिंदी में पढ़ूं कि इंग्लिश में पढ़ूं? मैम आप इंग्लिश में पढ़िए, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। आई एम ब्यूटिफुल, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ कंप्लीटली एज आई एम ए रॉक स्टार, आई एम ब्यूटिफुल। जी इसका हिंदी में करिएगा। एंड लव माई सेल्फ, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ और अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। देखिए पहले तो ब्यूटीफुल से आप क्या मतलब समझते हैं एक बार पहले उसको आप समझ लीजिए। अगर आपने उसका जो मेन जो होता है ना, अगर आपने उसको समझ लिया तो आधी चीज जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आपने उसको समझ लिया तो पहले सबसे पहले आपको जो है वो समझना है कि क्या है ब्यूटीफुल से आप क्या मतलब समझ रहे हैं वो आप बताइए। आचार्य जब आपको म्यूट कर लिया, इसका मतलब ये होता है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मतलब मेरे विचार कितने सुंदर हैं, मेरी सोच कितनी सुंदर है और मैं लोगों के बारे में क्या सोचती हूँ। अपने आप को म्यूट कर मन शरीर सबको म्यूट कर दीजिए, फिर आप जिसका नाम लेंगे मैं उनको अनम्यूट कर दीजिए। ओके जी, मुझे कोस्ट बना दीजिए प्लीज। मैं करता हूँ सर, एक बार हैंड रेस कीजिएगा अपना। आप बता रही थी दीप्ति जी, कुछ बोल रहे थे आप ब्यूटीफुल के लिए। हाँ जी सर, सर मैं ये बता रही थी कि ब्यूटीफुल का मतलब यहाँ पे बाहरी सुंदरता से नहीं है, कि आपके विचार कितने सुंदर हैं, आप लोगों के प्रति क्या सोच रखते हैं। आप क्या समझ रहे हैं आप बताइए। सर मैं तो यही सोचती हूँ कि सुंदरता का मतलब ये होता है कि आप दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, आप दूसरों को किस तरीके से। आपकी वॉइस बहुत कट रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग ग्रेटिट्यूड के अंदर हैं, जैसे अभी दीप्ति जी ने बोला वैसे अगर इसका मीनिंग देखेंगे तो मैं सुंदर हूँ। लेकिन उन्होंने कितनी चीजें बोल दी अंदर से भी है। यहाँ पर जो है वो अपने आप में आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम बादलों के अंदर देखते थे छोटे होते हुए, तो किसी को हाथी नजर आता था, किसी को गणेश भगवान नजर आते थे, किसी को लड्डू नजर आता था। तो आज हम लोग इस ग्रेटिट्यूड में रहते हुए प्रैक्टिस करते हुए इन शब्दों की गहराई को समझेंगे और इन शब्दों को अगर मैं फील कर पाता हूँ, जैसे आपने खुद ही बोला कि मैं सुंदर हूँ। एक है आपका शरीर से सुंदर होना, एक आपका है मन से सुंदर होना। तो आप अपने आप को क्या मैसेज बोल रहे हो? म्यूट करो सब, प्लीज अपने आप को सब लोग म्यूट रखिए, क्योंकि ना इससे ना डिस्टर्बेंस होता है और फिर बाकी लोग समझ नहीं पाते। ठीक है, अगला लाइन को आप एक्सप्लेन कर दीजिए हिंदी में। सर मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, आप मेरे को ये ना बार बार म्यूट कर देना। एक मिनट करता हूँ सर। Okay, everybody is on mute now. Sanjeev ji, you can continue. आचार्य जी आप जिसका नाम लेंगे मैं उसको explain करना है। दीप्ति जी ने explain करना है, उनको कर दीजिए mute। शुरू करूं सर? जी। मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक रॉक स्टार हूँ और मैं बहुत सुंदर हूँ। अब देखिए रॉक स्टार सर ने जो है वर्ड लिया है, यहाँ पे एक एक शब्दों को ध्यान रखिएगा, स्टार भी बोल सकते थे, रॉक स्टार लिया है। रॉक स्टार के बारे में आप जानते हैं, आप अगर कोई भी शब्द के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो पहले बोलने से पहले क्यों रॉक स्टार वो बोल रहे हैं, क्योंकि ये अफर्मेशन बहुत रिसर्च के साथ बनाए गए हैं। पहले वो बोल रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि हम लोग कई बार कुछ चीजों को स्वीकार नहीं कर पाते, हम लोग कहीं ना कहीं दूसरी चीजों को लिए प्रभावित हो जाते हैं लेकिन स्वयं के लिए कुछ चीजों को स्वीकार ही नहीं कर पाते। आपका माइंड आड़े में आ जाएगा, जैसे अभी सर ने बोला कि मैं एक दिन में इतना करोड़ रुपए कमा लिया या मैंने एक महीने के अंदर इतना करोड़ रुपए कमा लिया। अब कमाल की बात है, इस वाले सेशन के अंदर
यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो पूरे दिन के अंदर 1,000 रुपए कमाते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो 1 करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं। अब उसमें और हमारे में फर्क क्या है? फर्क यही है कि हमारा जो माइंडसेट है वो मानने को तैयार ही नहीं होगा। तो पहले आपको स्वीकार करना होगा कि हाँ मैं सुंदर हूं, हाँ मैं इतना पैसा कमा सकती हूँ, हाँ मैं आराम से पैसा कमा सकती हूँ, क्योंकि कई लोगों ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है। और जब राजन सर बोलते हैं आप तो आसानी से पैसा कमा सकते हो, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो इस बात पे बिलीव ही नहीं करता। उसको बिलीव करने के लिए बार बार आपको ये चीजें बोलनी पड़ेंगी। तो ये जो बोला ना रॉक स्टार हूं, आई एम ए रॉक स्टार, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इस लाइन के अंदर है। जितना ज्यादा आप इस चीज को बार बार बोलोगे, क्योंकि रॉक स्टार की एक इमेज ही अलग तरीके की होती है, स्टार भी है और रॉक भी है, तो हमें उस चीज को अपने अंदर लेके आना है, बार बार उसको रिपीट करना है। जी अगली लाइन आप पढ़ लीजिए इंग्लिश की, जो पढ़ना चाहते हैं सोनिया गोयल जी, आप इंग्लिश में पढ़ेंगी। जी यस सर, इंग्लिश में। जी आई एम्ब्रेस ऑल ऑफ माई क्वालिटीज दैट मेक मी यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम गुड एनफ। आप एक काम कीजिए, दो और पढ़ लीजिए, हम तीन तीन को करेंगे आज, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, तो आप एक और लाइन पढ़ लीजिए इसके बाद वाली भी। ओके सर, आई अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ माई फेस एंड बॉडी, आई लव द ब्यूटी ऑफ माई आईज हेयर एंड ग्लोइंग फेस। जी एक और लाइन भी पढ़ लीजिए, आई एम अ मिरेकल, अ डिवाइन पीस ऑफ द यूनिवर्स, आई लव माई बॉडी, आई एम सेक्सी। देखो हम लोग कई बार क्या होता है, अपने बॉडी को, अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे होते। हम बोल तो रहे हैं लेकिन अपने गुणों को, अब उससे क्या बोला है, अब आप पहले हिंदी में कर दीजिए, किसी को अगर करना है तो अपना हैंड रेज एक्चुअली में बहुत सारे हैं। अरुण छाबड़ा जी आप करेंगे हिंदी में? ये सेकंड वाला ना? हाँ जी सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, तीन करने हैं जो आप कर सकते हैं कर दीजिए। इसके बाद सपना जी हैं, सपना जी करेंगी हिंदी में। जी। मैं अपने अपने चेहरे और अपने शरीर को बहुत पसंद करता हूँ। आई लव द ब्यूटी ऑफ माई, मैं अपनी आंखों को, अपने बालों को और अपने चमकते हुए चेहरे को बहुत पसंद करता हूँ। और नेक्स्ट है आई एम ए मिरेकल ना, मैं जादूगर हूं या जादू करता, मैं चमत्कार हूं, मैं चमत्कार हूं उसका है, या जो भी आप बोलना चाहते। देखिए आप जब हिंदी करते हैं ना तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग का मत कीजिए, आप पढ़ लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं कैसे आपने करना होता है। जितने भी लोग हैं एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ग्रामर या आपकी हिंदी इंग्लिश पंजाबी नहीं कोई चेक कर रहा, आपको जो समझ में आ रहा है आप उसको बोल दीजिए, उसको डिलीवर कर दीजिए। मैं चमत्कार हूं और मैं यूनिवर्स की एक प्योर आत्मा हूं, सोल हूं। यस यस, फील के साथ बोलिए, जब आप बोलेंगे मैं ब्रह्मांड की एक दिव्य जो है वो शांति हूँ, शक्ति हूँ, जब आप उस वर्ड को बोलेंगे तो आपको अंदर से महसूस होगा ना चाहिए। जब आप ये बात बोल रहे हैं तो कन्विक्शन से होना चाहिए, कि कन्विक्शन से आप वो चीज बोल पा रही हैं। जी मैं अपने शरीर को बहुत पसंद करता हूँ और मैं स्मार्ट एंड सेक्सी हूँ। जी तो आपको अपने आप चेंज करना है, क्या आपने वर्ड बोलना है, अगर कोई लड़का पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों है, तो अपने शब्दों को आपने चेंज करना है। जैसे आपको जो पहली दूसरी लाइन है जो इसमें बोला है कि मैं अपने गुणों को गले लगाता हूँ, हम लोग अपने गुणों को पहचान ही नहीं पाते, हम लोग अपने अंदर गुणों की बात बहुत बोलते हैं। जब भी राजन सर बोलेंगे ना अपनी 10 चीजें तारीफ लिखो, तो लोग बहुत कम होंगे जो अपनी तारीफ बता पाए, लेकिन अगर बुराई बोल दें कि आप में क्या क्या कमी है तो बताना शुरू कर देंगे, एक एक बुराई के ऊपर बहुत देर बोलना शुरू कर देंगे। मेरे इंग्लिश नहीं बोलना जानता, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छाई के ऊपर बात नहीं कर रहे। और हर व्यक्ति जो है वो यूनिक है, किसी का भी अंगूठे का निशान जो है ना वो आपस में मिलता नहीं है, जितने लोग पैदा हुए हैं वो भी, जितने लोग आने वाले समय पैदा होने वाले वो भी, आइडेंटिकल जो जुड़वा होते हैं ना उनके भी हाथ के अंगूठों का निशान अलग होता है, कुदरत इतना डिफरेंट बनाती है, हर किसी में अपनी क्वालिटी है। अभी दो चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, सपना जी का और ऋचा जी का, दोनों ही अपने आप में इतना अच्छा पढ़ती है हिंदी में, तो दोनों ही आगे पढ़ने वाली है, लेकिन दोनों जब पढ़ेंगी तो आपको उनमें अपने आप में फर्क दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उन्होंने अपने आप में उस चीज पे काम किया है। अब देखो आप लोग इस सेशन में आयोगे और आप इसमें कुछ रीड करना चाहते हो, राजन सर ने क्यों आपको ये कार्ड बोले खरीद लो, अगर आप यहाँ पे ऑन द स्पॉट आके अगर उसका मीनिंग करना चाहोगे तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे।
अगर आप अपना हैंड रेस करते हो तो कोशिश किया करो कि दो कार्ड जो अगले दिन पढ़ने हैं या तीन कार्ड उनको बार बार रिपीट कर लें, उनकी हिंदी इंग्लिश आप पढ़ लें, तब आप फील के साथ पढ़ पाओगे, नहीं तो आप उस वक्त अगर पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। और आप जब बोल रहे हैं तो 300 लोग और सुन रहे हैं, तो कोशिश कीजिए। अगर सपना जी इतना अच्छे से कर लेती हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो एक बार इसको पढ़ती होंगी दिन के अंदर, क्योंकि उनकी हार्ड कॉपी भी है इसकी, उसकी PDF भी है, तो आप दोनों चीजों से कर सकते हो। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, आपको अपने गुणों को स्वीकार करना है और आप अद्वितीय हैं। अगर आप बोलते हो कि मैं चमत्कार हूं, मुझे अपना शरीर पसंद है, मोटे हो, पतले हो, कम बाल है, ज्यादा बाल है, जो है वो है, उसको स्वीकार करो। आप ऐसा बनना चाहते हो फ्यूचर में, वो कोई बात नहीं, लेकिन आज जैसे हो आप अपने आप को स्वीकार करो। देखो पहले लाइन में आपको क्या राजन सर ने बोला कि मैं अपने आप को स्वीकार करते हो, अब दूसरी लाइन में फिर यही बात बोल रहे हैं, तीसरी लाइन में ये बोल रहे हैं, बार बार जब वो रिपीट होगी ना आप उसको मानना शुरू कर दोगे। हमारे में से कई लोग आते हैं, वो बोलते हैं सर मैं ये करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे यहाँ पे इंटरनेट की कमी होती है, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पर लोग नहीं होते, मैं मैजिक करना तो चाहता हूँ ये तो नहीं होता। लेकिन जिन्होंने करना था उन्होंने दो लोगों के साथ भी शुरू किया, उन्होंने दो लोगों के साथ भी शुरू किया। तो मेन आपको अपने लिए, अपने चेहरे के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए कोई अगर घृणा है तो उसको हटा दीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारे सामने ना एक दो एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, कुछ एक्टर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी हुए जिनका चेहरा, जिनको आज अगर लोग देखते हैं कहते हैं ये अगर एक्टर बन सकता तो मैं तो इससे बहुत अच्छा लगता हूं, लेकिन आज वो है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्यार किया, सेल्फ लव किया, अपने आप को बोला आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो अगर मैं अपने आपको, और देखिए ये अंदर से होंगी चीजें, ये आचार्य जी या राजन सर आपके अंदर नहीं डाल सकते, हर किसी को अपने साथ बैठकर टाइम देना पड़ेगा और बार बार बोलना पड़ेगा। एक बार बोलने से नहीं होगा, दो बार बोलने से नहीं होगा, तीन बार बोलने से नहीं होगा, जब तक आपका माइंड नहीं मानेगा तब तक नहीं होगा। आपको सुबह उठकर करना है, रात को सोने से पहले करना है, और दिन में जब भी समय मिल रहा है आपने उसको करना है। जी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसके आगे वाले। माई सोलमेट इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई एम लविंग एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप, आई एम लिविंग ए ब्यूटिफुल लाइफ, आई थिंक एंड स्पीक ओनली पॉजिटिव थॉट्स, आई एम द मास्टर ऑफ माई थॉट्स, आई अट्रैक्ट ब्यूटिफुल थॉट्स, I am so happy and grateful that my skin is clear and radiant. ये message सपना जी, हाँ बहुत बढ़िया सपना जी, आप इसको जो है वो करिएगा, इसको अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और देखिए इसमें जो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ आत्मा की बात भी आ रही है, मैं वही कह रहा हूँ राजन सर ने इस पर इतनी रिसर्च की है ना, ये जो लाइन बोली गई है ना ये बहुत जबरदस्त है। जब हम बोलते हैं ना, जब उसमें आता है बिलो द लाइन, जब हम जाते हैं ना तो सबसे पहले जो फीलिंग होती है ना बिलो द लाइन थी, वो बोरिंग होती है। कई लोग जब हमें बोलते हैं ना, हम भी बोला करते हैं मैं बोर हो रहा हूँ इसलिए मैं टीवी देख लेता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा खाना खा लेता हूँ, इसलिए मैं घूमने चले जाता हूँ। आप अगर अपने साथ अपनी कंपनी में बोर हो रहे हैं तो कोई और आपकी कंपनी में कैसे खुश हो सकता है, क्योंकि आप अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। मैं अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहा जब आप ये बोलते हो कि मेरी आत्मा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अपने आप में एक ऐसी फील आती है कि आपको लगता है कि कमाल है, मैं प्यार और सहायक रिश्तेदार रिश्ते में हूं, मैं सुंदर जीवन जी रहा हूं, मतलब अपने विचारों पे मेरा कंट्रोल है। ये ऐसी चीजें बोली गई हैं, अगर आपके जीवन में ये सच में हो जाए, मेरे जीवन में सच में हो जाए, हाँ कभी कभी हो रहा है कभी कभी नहीं हो रहा, अगर ये सच में हमेशा होने लग जाए तो क्या चमत्कार होने वाला है, आप सोचिए। जी सपना जी आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। सर ये आज का जो कार्ड है ये अगर एक लेडीज एक्सप्लेन करती है तो बहुत ही अच्छे से कर सकती है, तो मैं सर आप परमिशन दे तो ऊपर वाले तीन को एक बार फिर हिंदी में रिपीट करूं क्या? जरूर 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 जी। मैं अपने सभी गुणों को अपनाती हूँ जो मुझे अनोखा बनाते हैं, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मैं अनोखी हूँ, मैं अजूबा हूँ। फिर उसके बाद वाले का था, मैं अपने चेहरे की सुंदरता और शरीर की सुंदरता की बहुत प्रशंसा करती हूँ, मैं अपनी आंखों की सुंदरता से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे काले घने चमकते बालों से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे चेहरे की सुंदरता की तो मैं खुद अपनी दीवानी हूँ। वाओ जी। फिर मैं एक चमत्कार हूँ और जी, मैं ये तीन भी कर दीजिए जो नीचे वाले हैं। जी जी जी। मैं इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति रूपी आत्मा हूँ, मैं अपनी बॉडी से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं
सेक्सी हूँ, मैं बहुत रोमांटिक जी, और उसके बाद है मेरा जीवन साथी मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं प्यार में हूँ और मेरे सब। आपने उसको जीवन साथी ले लिया है, ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना आत्मा की बात हो रही है, आपने उसको जीवन साथी बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही है कि यही मैं बोलना चाहता हूँ कि हर किसी की अपनी अपनी रहती है, तो उसमें कोई गलत या ठीक नहीं है जी, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो पर्टिकुलर सोल की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है, तो उसको वहीं तक अगर रखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा जी। और मैं एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जी रही हूँ, फिर मैं हमेशा सकारात्मक विचारों में को बोलती हूँ, सोचती हूँ और कहती हूँ, मैं अपने विचारों की खुद स्वामी हूँ और मैं अच्छे ख्यालों को ही अपनी ओर आकर्षित करती हूँ। और लास्ट वाले का है, आई एम हैप्पी वाले का, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मैं अपनी त्वचा के लिए जो बहुत सुंदर, साफ और चमकती हुई है, मेरा चेहरा बहुत चमत्कार और आकर्षित करने वाला है जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। दो लाइनें बहुत पावरफुल जो आज मैसेज आया हुआ हमारे अश्विन मैन के ग्रुप में, एक बहुत जी, इन 10 लाइनों का 3 लाइनों में वो आया हुआ, एक बहुत अच्छा जी, जी जी, टू बी ब्यूटीफुल मींस टू बी योरसेल्फ। वाह वाह, यू डोंट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स, वाह, यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। वाह वाह, देखिए ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये एक लेवल पे शुरुआत में कहते हैं ना कि कुदरत आपको इस इतने पॉजिटिव लोगों के साथ में लेके आया है। तो पहले हमने आपको पहले भी बोला, ओशो हमेशा बोलते थे जोरबा दा बुद्धा, जोरबा एक ग्रीक का करेक्टर होता है जो कहता है कि राजा की तरह जिंदगी को जियो, जो आपको लेना है वो खाओ, जो लेना है पियो, और जैसा अच्छा घर अच्छी गाड़ी सब कुछ करो, लेकिन अंदर से इतने शांत हो कि आप बुद्धा हो जाओ। तो यहाँ पर भी बात जो है, हमने जैसे शुरुआत में शेयर मार्केट की सब कुछ किया, लेकिन अगर देखो तो अफर्मेशन में राजन सर ने क्या चीजें बोली हैं, आत्मा की बात हो रही है, अपने आप को स्वीकार करने की बात हो रही है, सकारात्मकता की बात हो रही है, वो बात हो रही है कि मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। आप ये लाइन को इतनी बार बोलिए, क्योंकि हम लोग कई बार अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे होते, इसी वजह से हमारे जीवन में चीजें रुक रही होती है। कई बार मुझे बड़ा वो होता है कि चार चार पांच पांच बार लोगों ने किया होता है मैजिक, उसके बावजूद उनके जीवन में उतने चमत्कार नहीं हुए होते, क्योंकि कहीं ना कहीं वही रोक रहे होते। आपने अश्विन मैम का नाम बोला, अभी अश्विन मैम हमेशा बोल रही है ना कि पहले आप सोचते हैं, फिर आप बोलते हैं और फिर आप करते हैं। आप अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा करने लग जाओगे। तो शुरुआत जो है वो हमेशा आपके जीवन में सोचने से होती है। आप मंदिर में जाओ, आपकी चप्पल चोरी हो जाए, ये आपके हाथ में नहीं है। आप अच्छे काम के लिए गए थे लेकिन आपका नुकसान हो गया, लेकिन किसी और की चप्पल पहन के नहीं आओगे, ये आपके हाथ में, यह आपके हाथ में, ये आपके पास विकल्प है कि आप किस मत में हो, कि आप चप्पल ढूंढ रहे हो, किसी और की पहन के चला जाओ, कोई देखने वाला नहीं है, या आप कहते हो कोई बात नहीं, आज मेरे चप्पल चोरी हो गई, किसी को ज्यादा जरूरत होगी, कोई बात नहीं, मैं छोड़ देती हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। तो यही सब कुछ चीजें हैं। आज मेरे को दूसरा कार्ड भी बहुत अच्छा मिला है, टाइम 10:09 है, तो अभी 9 मिनट हमारे पास है, तो हम लोग एक कार्ड और ले लेते हैं। तो इंग्लिश में कौन पढ़ेगा, जो लोग पढ़ चुके हैं वो ना पढ़े, जो नए लोग हैं आप, ऋचा जी हिंदी में करोगे इंग्लिश में करोगे, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। सर इंग्लिश में। वेरी गुड, तो आप पढ़िए प्लीज। आचार्य जी, जी 10 मिनट रह गए हैं, आज काफी नए लोग भी हैं जी, तो एक थोड़ा मैं अफर्मेशंस को लेके बता देता हूं मैं, आई थिंक दैट इज बेटर, ज्यादा अच्छा रहेगा सर, ज्यादा अच्छा रहेगा। काफी लोग नए हैं यहाँ पर, उन्हें थोड़ा समझ में, मैं आज समझा रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए हमारा जो माइंड है उसके अंदर हमारी धारणाएं बैठी हुई हैं, एक सोच बैठ गई है, और अगर हमें हमारी लाइफ को चेंज करना है तो हमारी सोच को बदली करना है। देयर इज ओनली वन वे यू कैन रीप्रोग्राम योर माइंड, आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ओनली बाय अफर्मेशन कार्ड्स, ओनली बाय अफर्मेशंस। अब क्या होता है, हम बार बार बोलते रहते मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे तो माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मुझे इसकी एलर्जी है, मुझे ये है वो है, हम बार बार कुछ भी बोलते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, और वो हमारी धारणाएं बन जाती हैं, एंड दैट स्टार्ट्स अपीयरिंग इन अवर लाइफ। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है।
रियल लाइफ में इसके लिए हो रहा है क्योंकि वो आपकी धारणाएं हैं, वो आपकी सोच है। जैसे ही आप अपनी सोच को बदली करोगे आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। अब सोच को जो चेंज करना है तो आपको अफर्मेशंस काम आएंगे। अफर्मेशंस क्या होते हैं? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं जिसकी शुरुआत आई एम से होती है, मतलब मैं, और हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। जैसे आई विल बिकम ब्यूटीफुल नहीं बोलते हैं, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम पावरफुल, आई एम रिच, आई एम अ जीनियस, आई एम इन अबंडेंस, प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट आई एम से शुरू होता है, प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। और चौथा होता है रिपीट, आपको उसको रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है। देखिए ये दुनिया की बहुत पावरफुल टेक्निक है जिससे आप अपनी सोच को बदली कर सकते हैं। लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पर पॉजिटिव होना कैसे है वो कोई नहीं सिखाता। हम इस क्लास में ये जो अफर्मेशंस कर रहे हैं वो आपको पॉजिटिव रहने में मदद करेगा। अगर किसी को डर लगता है तो डर के लिए भी हमारे पास अफर्मेशंस हैं, वो आप बार बार करते रहो तो डर निकल जाएगा। बहुत लोग चिंता करते रहते हैं, बहुत लोग एंजाइटी में रहते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं, गुस्सा बहुत आता है, तो ये अफर्मेशन करोगे आप धीरे 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 आपका ये सब बीमारियां निकल जाएगी। एंड अफर्मेशन इज द ओनली वे टू रीप्रोग्राम योर माइंड। और एक बार आपका माइंड रीप्रोग्राम हो गया तो आपकी दुनिया चेंज होती है, ये मैंने देखा है। और मैं आपको जो बता रहा हूं ये दुनिया की जो टॉप टेक्निक्स हैं, टॉप बुक्स हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वहां पर हमें ये सिखाया जाता है। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। अब आपको आज के इसके अंदर से आपको जो भी पसंद आई दो चार लाइन आपने अपनी भाषा में बोलनी है जहां आपको फीलिंग्स आती है। याद रखना अफर्मेशंस विदाउट फीलिंग्स आपका कोई फायदा नहीं करेगी। मैं ये बार बार इसके लिए बता रहा हूं कि कभी भी आप बोलो आई एम ब्यूटिफुल, आई एम पावरफुल, तो कुछ मजा आएगा। लेकिन अगर यही चीज मरते मरते बोलो आई एम पावरफुल, तो अफर्मेशन काम नहीं करेगा। उसमें फीलिंग्स डालना, जो भी आप बोल रहे हो ना उसमें फीलिंग डालना। मैं आपको बता रहा हूं आपके बाल गिर रहे हैं ना तो बाल गिरना भी बंद हो जाएगा, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी तबीयत ठीक कर सकते हैं। अब तबीयत ठीक करने के लिए मिस्टर कोए फ्रॉम फ्रांस, COUE, फ्रांस के थे, आज से 150 साल पहले पेशेंट्स को ठीक करते थे। 12 साल तक उन्होंने लोगों को ठीक किया। ही इज नोन एज द फादर ऑफ ऑटो सजेशन, मतलब अफर्मेशन का बाप माना जाता है। उन्होंने उस जमाने में किताब लिखी थी 150 साल पहले। वो लोगों को ऐसे ठीक करते थे, आप भी ये टेक्निक यूज कर सकते हैं आपके घर में। पापा मम्मी या कभी भी बीमार गिरो, आपने अपनी बीमारी के बारे में कभी बात नहीं करना, आपने तो ये कहना है एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर बेटर। कल से मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो मुझे अच्छा लग रहा है, आज तो मुझे अच्छा लग रहा है, बस ये बोलते जाए। योर माइंड विल स्टार्ट बिलीविंग, योर माइंड बिलीव कर देगा आप जो बार बार रिपीट करोगे तो, क्योंकि आपका माइंड और आपका शरीर इंटरकनेक्टेड है। जो आप अपना माइंड बोलोगे वो आपके शरीर में दिखेगा। अब हम हमारे माइंड को क्या बोल रहे हैं, आई एम पावरफुल, आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटिफुल, अब ये बोलते जाएंगे इट विल स्टार्ट अपियरिंग इन योर बॉडी। आप मेरे 2-3 साल पहले के वीडियो देख लेना, मेरा चेहरा देख लेना और आज मेरा चेहरा देख लेना, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। और ये सबके साथ हुआ है, सरिता जी हैं, मतलब किसी के भी चेहरे हमारे जो ग्रुप में जो रेगुलरली आ रहे हैं उनके चेहरे पे चमक आती है। इट इज ओनली बिकॉज वी रिमेन इन पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिविटी के इतने फायदे हैं जिसके कोई लिमिट ही नहीं है। अब हम आपको सिखाते हैं कैसे पॉजिटिव रहना।
सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर अबाउट अफर्मेशंस. हम अफर्मेशंस कार्ड्स पढ़ते हैं रोज एक कार्ड, और फिर ग्रेटिट्यूड कार्ड पढ़ेंगे हम इसके बाद. थैंक यू आचार्य जी, प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. इसमें आपकी एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा अफर्मेशन के अंदर, ये जो ध्यान है महात्मा बुद्ध ने, मैं हूं जब आप करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आप आई एम बोलते हैं, तो हूं की जो चोट है वो नाभि पे पड़ती है. और जैसा सर ने बोला ये चीजें हैं, ग्रुप में अगर आप करते हैं अफर्मेशन, जैसे प्रार्थना का अपने आप में एक महत्व है, अगर आप मिलके करते हैं, जैसे हम लोग रात को मिलके कर रहे हैं, आप परिवार में मिलके कर रहे हैं, एक लाइन उसने बोला फिर उसने बोला, हम लोगों को शर्म आता है, हम अपने सामने ही नहीं बोल पाते अपने परिवार के सामने आई एम द बेस्ट. बच्चा अगर बोलता है मैं पापा 1,00,000 रुपए कमाऊंगा, तो बच्चा का बाप बोलता है तेरे बाप ने कभी कमाए जो तू कमाएगा 1,00,000 रुपए रोज के, भाग जाए से. और हम लोग क्या करते हैं, उसको नीचे ले आते हैं. चेतन भगत की कहानी पढ़िएगा, जब वो 11th क्लास में फेल हो गए तो सारे लोग उनके घर पे बैठे हुए, उनके माँ बाप बोल रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो लोग बच्चे फेल हो जाते हैं वो भी कुछ कर लेते हैं. तो उस दिन उनको बहुत चोट लगी थी, जैसे उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन कैसे आज वो पढ़े. तो हमारे जीवन में हम भी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ होता है, इसलिए जो कोई सामने वाला बोल रहा है और खासकर हमारा कोई खास लोग बोल रहे हैं, उसके लिए हमें जो है वो हमेशा अच्छी बात बोलनी है, अच्छी चीजें सोचनी है. और वो चीजें हो सकती हैं, आज मैं जब हीरो पढ़ रहा था तो उसके अंदर आ रहा था कि जब आप अपनी ब्लिस को फॉलो करते हैं तो आपके लिए कुदरत वहां पे भी दरवाजे बना देती है जहां पे दीवार होती है. तो आज दीवार बनने का काम जो है ना आपने नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने करना है उस चीज के बारे में जो आपके लिए, ओपरा विनफ्री के बारे में जरूर पढ़िएगा आज अगर आपको टाइम मिले. ज्यादातर लोग जानते होंगे उनके लिए, हॉलीवुड के स्टार भी उनके शो पे आने के लिए तरसते हैं, और वो अपने शो के अंदर इतने बड़े बड़े गिफ्ट दे देती थी. अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक लेडी जो यहाँ से उठी और कहाँ तक पहुंची केवल और केवल अपनी सोच के द्वारा. लुईस हे ने कितने लोगों को ठीक किया, एक कमरे से शुरू हुआ था उनका सफर, आपने मूवी देखी है, और कैसे लोग आगे बढ़ते चले गए. तो आपने जैसे सर ने, तो राजन सर ने तो प्रूफ करके दिखाया है, कुछ हाउसवाइफ थी, 15-15 साल से कुछ कमाया नहीं था, ना केवल शेयर मार्केट से, उसके अलावा ऐसे ऐसे कामों से वो पैसा कमा रही हैं जिसकी कोई वो नहीं है. सर हमेशा मृदुल जी का एग्जांपल देते हैं, और मृदुल जी भी इस चीज को बहुत एंजॉय करती हैं, पत्नी अभी वो क्योंकि आजकल सुबह जल्दी उठती है, सो गई होंगी, तो हमेशा इस चीज को एंजॉय करती हैं कि पैसा तो मैं आराम से कमाती हूँ आचार्य जी, मैं बहुत आराम से पैसा कमाती हूँ. तो ये कैसे हो रहा है, और ये चेंज हुआ है पिछले 2-3 साल के अंदर, बार बार बोलने से. कई प्रयोग करवाए राजन सर ने, वो कई बार सक्सेसफुल हुए और कई प्रयोग जो है वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन एक बात पक्की थी, उनकी सोच यही थी कि इसको करना चाहिए, गेम्स खेलनी चाहिए अपनी वाइफ के साथ में, इस तरह से करना चाहिए, और वो चीजें अपने आप में होती चली गई. तो आप लोग सब लोग जुड़े रहें, और इसको जुड़ने का एक ही तरीका है कि आप लोग लगातार इस सेशन में बने रहे, जैसे आज ये संख्या है, और अमाउंट तो बहुत छोटा सा है, हम लोग एक पिज्जा खा लेते हैं, और हम जब बोलते हैं ना अरे यार ये फ्री में मिल जाएगा तब कर लेंगे, अच्छा यूट्यूब पे भी तो सर दे ही देते हैं ना, अच्छा सर तो लिंक देते रहते हैं फ्री में, तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं कुदरत को, आप समझिए कि मेरे पास पैसा नहीं है. जब मुगले आजम पढ़ी थी ना सर ने भी उसका एग्जांपल दिया था राजन सर ने, तो जो पृथ्वीराज चौहान को, जो पृथ्वीराज कपूर हैं, उनको जूते पहनाए गए 4,000 रुपए के, उन दिनों में 4,000 रुपए के जूते, तो उसने बोला इतने महंगे जूते क्यों पहना रहे, कह रहे भैया अकबर पहन रहा है और वो पहन रहा है तो अच्छा लगना चाहिए. और जब शॉर्ट हुआ तो उसके अंदर पैर आ ही नहीं रहे, तो ना आपने पैर के जूते तो दिखाए नहीं, कह रहे तुम्हें फील कैसा हो रहा था, कहता बहुत जबरदस्त लग रहा था, कहता वो फील आपके चेहरे पे मुझे देखनी थी, मुझे जूते नहीं दिखाने थे, मुझे दिखाना था कि अकबर जो पूरे इस पूरे भारत के ऊपर राज करने के लिए आया उसकी कैसे फीलिंग है. तो कई बार जो राजन सर ने बोला ना अपने ऊपर खर्चा करो, सच बोलना, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, आप लोगों ने अपने ऊपर खर्चा करना बंद कर दिया था, इनके कहने से आपने खर्चा करना शुरू किया ना, कई ब्यूटी पार्लर वालों का काम शुरू हो गया, कई साड़ी वालों का काम शुरू हो गया, कई लोगों के काम शुरू हो गए, किताबें खरीदनी शुरू कर दी. ये तो होता क्या था, पीडीएफ ले लो, प्रिंटआउट निकाल लो, ये कर लो, अरे जिसकी किताब से इतना कुछ कमाने वाले हो 400 रुपए खर्च कर दो ना मैजिक के ऊपर, उसके ऊपर अंडरलाइन करोगे, कुछ सीखोगे, तो महंगे से महंगी किताब खरीदो, महंगे से महंगा करो. और ये छोटी छोटी चीजें जो है ना राजन सर दे रहे हैं, इसको पकड़ो. सुबह अश्विनी मैम दे रही हैं, शाम को राजन सर दे रहे हैं, और दिवाली तक सर सबको बहुत पैसा कमाना है. अब वो आपकी वाइब्रेशन है, मेरी वाइब्रेशन है, कितना हम कमा पाते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं. इसी तरह से अपनी एनर्जी को बनाए रखें, और सबके लिए दुआएं करें, सर्वदा भला करें, जो सर बोलते हैं सर्वदा भला करें. आपको अगर कोई टिप मिल रहा है तो आप भी बताइए इस सेशन के बारे में कि ऐसा एक सेशन होता है. हम लोग गोलगप्पे की बड़ी तारीफ करते हैं, हम लोग किसी का कोई सूट होता है ना तो बहुत तारीफ करते हैं, गदर टूर लग गई उसके लिए बहुत मैसेज भेजते हैं,
लेकिन इस तरह के सेशन के बारे में नहीं बताते, इस तरह की चीजों के बारे में बताते। और जेलस क्या होती है, अरे यार वहीं से मैं लेके आऊंगा, वो भी अगर पहन के चली गई तो क्या होगा, तो वहीं गड़बड़ कर दी। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, 10 बज गए हैं, मेरा एक सेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें सेवा का मौका देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू शुक्रिया। सो लेट्स एंड दिस सेशन एंड जस्ट क्लैप एंड से आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।